इंडिया और नेपाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू तक एक रेल लाइन बनाया जा रहा है। लगभग 3 बिलियन US डॉलर के बजट से बनने वाले इस रेल लाइन के लिए अब फाइनल लोकेशन सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चाइना के वर्चस्व को नेपाल में रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके अलावा इस सर्वे में अभी कितना टाइम और लगेगा, कब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और कब तक ये रेल लाइन बनकर कंप्लीट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे देश के नॉर्थ में एक छोटा सा देश है नेपाल। नेपाल और इंडिया के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं और नेपाल और इंडिया के बीच अभी ओपन बाउंड्री है और दोनों देशों के नागरिक बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के दूसरे देश में जाते हैं। दोस्तों, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिस कारण नेपाल से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट इंडिया के रास्ते ही होता है। इसके लिए नेपाल के वीरगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया गया है जो कि इंडिया में रक्सौल से रेल लाइन से कनेक्टेड है और वीरगंज से ही पूरे नेपाल में जरूरत की चीजें पहुंचाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से चाइना नेपाल में इंटरफेयर कर रहा है। हालांकि चाइना और नेपाल के बीच रोड या रेलवे बनाना काफी चैलेंजिंग है, लेकिन चाइना लगातार इसकी प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए चाइना को नेपाल से भगाने के लिए इंडिया के हेल्प से नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू तक एक रेल लाइन बनाया जा रहा है। ये रेल लाइन इंडिया में बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रक्सौल से स्टार्ट होगा और नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू को इंडियन रेलवे के नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। अप्रैल 2018 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली जी इंडिया आए थे और उसी दौरान इस रेल लाइन को बनाने की घोषणा हुई थी। ये एक इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन होगा और इस रेल लाइन के बनाने में इंडिया हर तरह से नेपाल की मदद करेगा। फिर अगस्त 2018 में काठमांडू में इंडिया के एम्बेसडर मनजीत सिंह पुरी और मधुसूदन अधिकारी के द्वारा MOU साइन किया गया था इस रेल लाइन का सर्वे करने के लिए। और इस रेल लाइन के लिए सर्वे करने की जिम्मेदारी मिली है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को। कोंकण रेलवे ऑलरेडी इंडिया में कई सारे चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर चुकी है। चेनाब ब्रिज और उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट को भी कोंकण रेलवे ही एग्जीक्यूट कर रही है। रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए प्राइमरी सर्वे 2018 में ही हुआ था और इसके अनुसार इस रेल लाइन की लेंथ होगी 136 किलोमीटर, जिसमें लगभग 40 किलोमीटर के सेक्शन में टनल बनेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में 35 मेगा ब्रिजेस भी बनाया जाएगा। जमीन अधिग्रहण सहित इस पूरे प्रोजेक्ट में 2.66 बिलियन US डॉलर से 3.15 बिलियन US डॉलर खर्च होने का अनुमान है। तो प्राइमरी सर्वे के बाद अब इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे भी स्टार्ट हो गया है। इस सर्वे से क्लियर हो जाएगा कि इस रेल लाइन में कहां और कितने रेलवे स्टेशन बनेंगे, रेलवे ट्रैक की हाइट कितनी होगी, ब्रिज कितना बड़ा होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस सर्वे के बाद। इस सर्वे को कंप्लीट होने में लगभग 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल का टाइम लगेगा। लास्ट मंथ ही कोंकण रेलवे की टीम नेपाल पहुंच गई थी। इस सर्वे को कंप्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए DPR बनेगा, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट होगा और अप्रूवल मिलने के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कम से कम 5 साल का और टाइम लगेगा इस रेल लाइन को बनने में। ये रेल लाइन पहाड़ी एरिया से क्रॉस करेगा और लगभग 35 किलोमीटर के सेक्शन में टनल बनाया जाएगा, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, हर हाल में और जल्द ही इस रेल लाइन को बनाना होगा, क्योंकि अक्टूबर 2019 में चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के नेपाल विजिट के बाद चाइना भी काठमांडू तक रेल लाइन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर चाइना काठमांडू तक हमसे पहले ही रेल लाइन बना लेता है तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा चाइना को काउंटर करना। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।